नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केलकर है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसिक रोग तज्ञ, मानसोपचार तज्ञ, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और अकोला में केलकर हॉस्पिटल प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है सामाजिक चिंता रोग, जिसको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है ये एक्चुअली बीमारी नहीं है। मतलब काफी लोगों को ऐसा है कि समाज में जब जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, तब उनको लगता है, उनको डर लगता है, तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, ये सभी को होता है, तो वो किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं है दिखाने। सालों से उनको वो चिंता, उनको टेंशन रहता है। लेकिन ये अवेयर करना बहुत जरूरी है कि ये भी एक प्रकार का रोग है, ये भी एक प्रकार का डिजीज है, जिसको हम बोलते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सामाजिक चिंता रोग। इसमें दो प्रकार के सिम्टम्स अनुमन दिखते हैं पेशेंट को। एक फिजिकल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम मतलब चेहरे पे लाल, चेहरा लाल हो जाना, पसीना आना, छाती में धड़धड़ करना, गैसेस तैयार होना, डर लगना, कोई चीज बराबर बोल ना पाना, इसको बोलते हैं फिजिकल सिम्टम्स। और दूसरे है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं उसको करते करते रोक देना, चिंता के विचार आना, ऐसे विचार आना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे प्रकार के लक्षण हमको सामाजिक चिंता रोग में दिखते हैं। मेनली इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कॉजेस क्या है? तो सबसे पहले है जेनेटिक। बहुत सारे लोगों में ऐसे जीन्स अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं जिसके कारण उनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है। नंबर दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी हमने पास्ट में यानी अपने भूतकाल में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, पेरेंट्स से सीखा है, दोस्तों से सीखा है, उसी के कारण भी सामाजिक चिंता किसी को डेवलप हो सकती है, तैयार हो सकती है। उसके बाद अपना एनवायरनमेंट, वातावरण, अपना वातावरण कैसा है उस पर भी ये प्रॉब्लम निर्माण हो सकती है। बहुत सारे लोगों में जो एडिक्शन होते हैं जैसे अल्कोहल, दारू या सिगरेट, उन लोगों में भी सामाजिक चिंता रोग बहुत ही ज्यादा प्रमाण में हमको दिखती है। उसी के बाद एक्यूट ट्रॉमा, मतलब मेंटल अगर कुछ तकलीफ हुई है तो उससे भी सामाजिक चिंता पेशेंट को हो सकती है। इसके सिम्टम्स हमको बहुत ही इजीली डे टू डे लाइफ में दिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई अगर बच्चा है, उसको वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसको टेंशन आने लगता है, उसको डर लगने लगता है, तो उसको ये एक एग्जाम्पल है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। नंबर दो, अगर कोई यंग लड़का है, कॉलेज में जाता है, पढ़ाई में होशियार है लेकिन वो स्टेज पे भाषण दे नहीं सकता, जब उसको स्टेज पे भाषण देने बुलाते हैं तो वो उसको डर लगने लगता है, उसको लगने लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, उसको टेंशन आने लगता है, उसको लगता है कि कोई हंसी मजाक उड़ाएगा, वो तत्पप करने लगता है, स्टैमरिंग करने लगता है, और अगर उस समय उसने गलती कर दी और लोगों ने हंस दिया तो वो जो टेंशन है वो उसको जिंदगी भर रहता है और उसी के कारण सोशल एंग्जाइटी तैयार होने लगती है। ऐसी जो बीमारियां है आजकल कॉर्पोरेट्स में दिखती है। कॉर्पोरेट्स में परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत है, बड़े बड़े कंपनियों में जो इंजीनियर्स है वो जब कुछ गलती करते हैं तो उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है और उसके कारण भी सोशल एंग्जाइटी तैयार होने लगती है। सोशल एंग्जाइटी अगर चली जाए तो आदमी का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अलग अलग लेवल पे जा सकता है, इसलिए सोशल एंग्जाइटी से डील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक है। हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी रहती है, वो छुप छुप के, डर डर के, बिना अपने माता पिता को बता के आते हैं, पर जब उनको हम ये बताते हैं कि इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, एक प्रकार की बीमारी है, तो उनको आधा 50% बीमारी उनकी वहीं कम हो जाती है। जब उनको हम ये बताते हैं कि एक प्रकार की बीमारी है और इसमें कोई एबनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, हमारे ओपीडी में आते हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी है। आजकल सोशल एंग्जाइटी में बहुत अवेयरनेस हो रही है क्योंकि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस में उनकी गड़बड़ी हो जाती है, पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, होशियार है, लेकिन जब उनको भाषण देने बुलाते हैं, जब एग्जाम देने बुलाते हैं, तब उनकी टाइटैक्सिस हो जाती है।
तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बीमारी के बारे में तो हमने समझ लिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकेशंस, मतलब दवाई। आजकल बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं, पैरोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, एसेटाल्प्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे पेशेंट की जो सामाजिक चिंता है, जो टेंशन है, सोशल एंग्जाइटी है, वो खत्म हो सकती है, दूर हो सकती है। साथ ही में बेंजोडाइजिपिन्स है, बेंजोडाइजिपिन्स लेकर भी पेशेंट को रिलैक्स रखता है, उनका खुद का जो फिजिकल टेंशन है वो कम हो जाता है। सेकेंड नंबर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आजकल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत ही इजीली अप्रोचेबल है, हम भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में लोगों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 4, 6 सेशन के बाद पेशेंट को काफी फर्क दिखाई पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस थेरेपी। एक्सेप्टेंस थेरेपी मतलब पेशेंट ने ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, और भागने के बजाय उसको फेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट ये प्रॉब्लम्स को फेस करना चालू कर देता है, तब उसकी आधी बीमारियां चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी जो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन जो हम हमारे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो है रिलैक्सेशन थेरेपी, हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन थेरेपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। इसमें हम रिलैक्सेशन के, सम्मोहन के सेशंस लेते हैं, और उनको जो लेवल पे, जो सिचुएशन में टेंशन आती है, उनको हम वो इमेजिन करने लगाते हैं, और उनमें हम रिलैक्सेशन लाते हैं जिससे उनको टेंशन ना आए। ये थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये था सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अगली वीडियोस में मैं आपको पैनिक डिसऑर्डर, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, इसके बारे में बताऊंगा। मैं अन्य और कोई और भी वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। मेरा जो यूट्यूब के चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरा जो वीडियो है वो लाइक करिए। इसी के साथ मैं मेरा वीडियो खत्म कर दूँ।